गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? नहीं नहीं ऐसा नहीं है आज क्लास का, ठीक है ना? बस उसी के लिए आए हैं। चेक करते हैं अभी एप्लीकेशन को, ठीक है? वैसे कौन कौन एक्साइटेड है आज क्लास देखने के लिए भाई? कौन कौन चाहता है आज क्लास से शुरू हो जाए ये बताइए पहले तो। सभी सभी दुआ करें कि आज क्लास से शुरू हो जाए यार। हाँ भाई अभी थोड़ा वेट कीजिए, 11 बजने देते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आज क्लासेस शुरू होगी, ठीक है ना? अभी दिखाते हैं आप सभी को लाइव। हाँ बिल्कुल भाई, जो एडमिशन लिए हैं वो सब एक्साइटमेंट है, हम भी एक्साइटमेंट है क्लास देखने के लिए, हमने भी एडमिशन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज क्लासेस शुरू होने वाली है यूपीएससी की। तो अभी देखिए 3 मिनट बचे हैं, थोड़ा वेट कीजिए एक बार। भाई सिलेबस से स्टार्ट हो सकता है आज, थोड़ा वेट कीजिए अभी पूरा बार। भाई एक बार बताएंगे भाई, अनलॉगिन हो जाता है भाई, वो देखिए सर्वर के कारण हो रहा है। देखिए सर्वर को ठीक किया जा रहा है, इस कारण से अनलॉगिन हो रहा है। किसी किसी का तो एप्लीकेशन में बैच ही शो नहीं कर रहा है ना। आप अनलॉगिन का बोल रहे हो, किसी किसी के तो एप्लीकेशन में बैच भी शो नहीं कर रहा है अभी तक। वो टेंशन मत लीजिए अभी आप, हो जाएगा अभी आज, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लाइव चेक करेंगे अभी आपके सामने, ठीक है? 11:15 तक वेट करना होगा आपको, 11:15 तक, ठीक है ना? देखिए 11:15 तक वेट करना होगा आप ना, 11 बजते ही जज मत कीजिएगा, 11 बजते ही एप्लीकेशन चेक मत कीजिएगा, ठीक है ना? 11:15 तक वेट करना होगा आपको, 11:15 तक। भाई जितने भी भाई हैं, देखिए 1 मिनट लिख रहे हैं, कोई 2 मिनट लिख रहे हैं, बट आपको 11:15 तक वेट करना होगा। जैसे ही क्लास चलेगी मैं आपको लाइव बता दूंगा, ठीक है? 11:15 तक वेट करना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बार 11:15 तक वेट कीजिए, फिर देखते हैं, ठीक है?
हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्लास इज नॉट कॉन्फिगर्ड बता रहा है, बट अभी चेक करते हैं, वेट कीजिए। 11:15 तक वेट कीजिए, अभी चेक करते हैं, ठीक है, लाइव में आपके साथ चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रीन ब्लैंक दिखा होगा, बट आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्लास चेक कर रहा हूँ इसीलिए ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है स्क्रीन ब्लैंक दिखने का कारण, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लासेस आप थोड़ा वेट कीजिए, 11:15 तक वेट करना होगा, ठीक है ना। थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है ना, 11:15 तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, 11:15 तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर हम कंफर्म करते हैं क्या इश्यू है, कि नहीं चल रही है या चल रही है, ठीक है ना। अरे भाई नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, आप बोल रहे हो ये गलत बात है, थोड़ा वेट कीजिए, आपको परेशान नहीं किया जा रहा है, बट 11:15 तक, ये ऐसा होता है, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा लाइव में, नहीं तो मैं दिखा देता एप्लीकेशन पर, कि ऐसा होता है, हर क्लास 10 मिनट बाद ही शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा, आपके एक क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप रहेगा। अभी चेक कर लेंगे हम पूरा, ठीक है ना, आप बने रहिए, तब तक जैसे ही क्लासेस शुरू होगी तो हम बता देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई, जैसे ही क्लासेस शुरू होगी ना तो हम बता देंगे। हाँ भाई है, सबके घर वाले परेशान हैं, हम समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं जी, देखिए नहीं चल रहा है तो पढ़ाई खराब हो रही है, सही है बात आपकी, बट थोड़ा वेट कीजिए, अभी कंफर्म कर देते हैं, 11:15 तक वेट कीजिए आप, 11:15 लास्ट है, ठीक है ना। भाई मैं लिप ड्रॉप की फुल वीडियो बना दूं, लेकिन अब मेरे पास पीसी में ना नहीं चल रहा है, इस कारण से भाई मेरे पास पीसी में लिप ड्रॉप, मेरे पीसी ना इतना हाई लेवल का नहीं है कि उसमें लिप ड्रॉप डाल सकूं। हाँ, क्लासेस लाइव रहेंगी भाई, बिल्कुल लाइव रहेंगी, ठीक है ना, आप थोड़ा वेट तो कीजिए, एक बार 11:03 हुए, अभी 11 तक थोड़ा वेट कीजिए, 11:15-20 तक, ठीक है, शुरू होते ही आप टेंशन मत लीजिए, शुरू होते ही मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, जैसे ही क्लासेस शुरू होगी ना तो मैं आपको एकदम पूरा बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए उस दिन भी मैंने कहा था, रात में क्लासेस जब चली थी तो मैंने कहा था आप वेट कीजिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल, इंतजार नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, अब ज्यादा इंतजार की घड़िया नहीं है, यूं समझ लीजिए कि पास पहुंच चुके हैं, बस लबासना के गेट के बाहर खड़े हैं, ऐसा समझ लीजिए, तो थोड़ा तो करना ही होगा ना। भाई कोई मूड खराब नहीं है, ऐसा होता है, क्लासेस ऐसे ही चलती है, जैसे कि 11 बजा है ना, तो 11:10 तक क्लासेस शुरू होगी, क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, मान लो कोई कहीं पर है 11 बजे तक नहीं पहुंच पाया है ना, तो वो तब तक 11:10 तक पहुंच जाएगा और क्लास में ज्वाइन हो जाएगा, इसी कारण से क्लासेस 11:10 से लाइव होती है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास इज नॉट कॉन्फिगर्ड मीन्स क्लास अभी शुरू नहीं हुई है, वेट कीजिए, उसका मतलब ये है। ग्यारह पंद्रह तक भाई, 15 तक, हाँ हम फालतू हैं, ठीक है, आपको जो कहना है कह लीजिए, हम फालतू हैं, ठीक है, तो आप लाइव में क्यों खड़े हो,
जो जो भाई कह रहा है ना फालतू है, चूतिया बना रहा है, वो लाइव में क्यों हो यार? तो मैंने कब कहा आप जुड़िए भाई? देखिए ये दिक्कत नहीं है, जब क्लासेस 11 का बोला है ना तो 11:10 तक वेट करना पड़ता है, ठीक है ना? हाँ तो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा सा और भी तो करो, जब बोला है क्लासेस होगी तो थोड़ा वेट करो ना 11:10 तक। लाइव का भी सेटअप करना पड़ता है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। आपको तो बस क्या है, आपके तो कहने में लगता है। लैपटॉप में कैसे चलेगा? 18 दिसंबर कहाँ दिखा रहा है जी? 19 दिसंबर ही दिखा रहा है, 18 नहीं दिखा रहा है, 19 ही दिखा रहा है, ठीक है ना? अभी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ भाई तो उसी के लिए तो आए हैं ना। भाई वो सारा कंप्लीट है, बस थोड़ा सा तो वेट कीजिए यार। मैंने बोला ना 11, 15 या 20 तक वेट कीजिए, ठीक है ना? नहीं, पैसे कहीं नहीं फंसे हैं आपके, ठीक है ना? शाहबाज अहमद, थोड़ा ना आप अपनी लिमिट में रहिए शाहबाज अहमद जी, ठीक है ना? नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी रिपोर्ट करने में। हाँ भाई लैपटॉप में चलता है क्लास। नहीं भाई पैसा नहीं फंसा है यार, एक तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आप में से कुछ कुछ हैं जो ऐसे फालतू के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे कमेंट ना करें तो ठीक होगा भाई। वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, 15 तक तो वेट कीजिए, करना ही पड़ेगा ना आपको। पंद्रह बीस तक वेट करना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स? 15-20 तक वेट करना होगा आपको, 11, 15, 20, ठीक है ना? भाई देख लो, जब इन्फॉर्मेशन आया है तो ही मैं पिछले दिनों में मैं लाइव नहीं आया हूँ एक भी दिन। अगर आप चैनल पर एक्टिव थे तो लाइव नहीं आया था एक भी दिन, क्योंकि मैं आप फालतू को इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन देने या आपका टाइम वेस्ट करने नहीं आता हूँ, ठीक है ना? हाँ भाई क्लास नोट कॉन्फ़िगर बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है, ठीक है ना? हाँ मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, इसीलिए तो आपका फालतू का टाइम वेस्ट करने, जब कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तभी मैं आता हूँ, नहीं तो मैंने, अगर आप मेरे पास कभी आए हैं क्या, जुड़े हैं क्या लाइव में पिछले कभी भी? बस जिस दिन कोई इन्फॉर्मेशन था उस दिन मैं आया आपके साथ लाइव। बिल्कुल यार, यही तो भरोसा रखना है, भरोसा ही तो रखना है यार। आप जो ये बातें बोल रहे हो ना, कुछ कुछ पैसे डूब गए ऐसे, तो इसका मतलब तो यही होता ना कि आपको सर पर भरोसा नहीं है यार। क्रोम से भाई आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है क्रोम से लॉगिन करने के लिए, ठीक है ना भाई? 2-2.5 GB में हो जाएगा क्लासेस पूरी। अरे भाई नहीं डूबा यार पैसा, बता रहा हूँ ना।
आप में से बहुत सारे भाई कह रहे हैं पैसा डूब गया। अरे नहीं डूबा है, थोड़ा 1 मिनट बस, कुछ अब थोड़ा ही टाइम बचा है ना। मैंने 11 15 20 का बोला है, तो थोड़ा 20 तक रुक जाओ बस, फिर लेंगे नेक्स्ट डिसीजन। डिसीजन के पैसे डूब गए यार, यूपीएससी की तैयारी करें और धैर्य ही नहीं है आप सब में है। भाई यार सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको धैर्य रखना होगा, यूपीएससी धैर्य ही मांगता है। एप्लीकेशन का नाम है खान सरे ऑफिशियल एप, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल, सर पर विश्वास ही तो रखिए भाई। देखिए श्वेता देव, मैंने मोमो प्लेयर का वीडियो भी बना रखा है कि मोमो प्लेयर से कैसे क्लास देखनी है, बट कोई देखे तो ना। मैंने वीडियो डाल रखा है ये लैपटॉप पर क्लासेस कैसे देखें, बट कोई देखे तो ना। ये रहा देख लो, बट आप लोग देखते ही नहीं हो, तो उसमें मैं क्या करूँ अब यार। एक एक को तो थोड़ी बता सकता हूँ मैं। हाँ, आज के दिन बोला गया था, तो आज का दिन अभी आया है ना। आज के दिन का बोला है, तो आज के दिन का वेट तो करो यार भाई लोग सभी। भाई टेबलेट में कैसे चलेगा? टेबलेट में प्ले स्टोर से चलेगा भाई। हाँ बिल्कुल चल रहा है, मैंने वीडियो बनाया था मोमो प्लेयर से, बट कोई नहीं देखेगा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप देखते वीडियो तो आपको पता चल जाता, अभी तक आप लैपटॉप में कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है कर चुके होते डाउनलोड। ठीक है ना, अगर आप देखे रहते वीडियो तो लैपटॉप में डाउनलोड कर चुके रहते अभी तक आप। हाँ भाई भरोसा हमें भी है, बट कुछ एक हैं जिन जिन सर पर भरोसा नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, हमें भी खान सर पर भरोसा है, बट ना कुछ एक लोग ही हैं जिन्हें भरोसा नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी मैंने बोला है 15 या 20 तक वेट कीजिए, तो वेट कीजिए ना। 15 20 तक अगर नहीं चलाना तो देखते हैं, कुछ कुछ नोटिफिकेशन आता है तो, ठीक है ना। क्लास शुरू, 1 मिनट देखते हैं अभी। देखिए 19 दिसंबर का बोल रखा है, तो चेक कर लेंगे, वेट कीजिए थोड़ा। हाँ वही वही, करंट अपडेट के लिए ही भाई। टू कुमार जी बोलिए, क्या कहना है आपका, कब से आप कमेंट किए जा रहे हैं। ले लिया भाई, बिट्टू कुमार नाम ले लिया आपको। आप बिल्कुल सही बात है, जब सर पर विश्वास ही नहीं बना है आपका, तो यार आप कैसे निकालोगे यूपीएससी। थोड़ा धैर्य रखिए। मस्ती @1 2 3, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है ना। ऐसे शब्द अगर आप बोलेंगे ना, तो आप सोच भी मत सके कि आप यूपीएससी के लायक हैं, ठीक है ना। तो आपने बैच ज्वाइन ही क्यों किया, यदि आपके माइंड में ऐसे शब्द आ रहे हैं तो। आपको यूपीएससी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी ना, ऐसे शब्द बोलने थे तो आपको।
नहीं, किसी के साथ स्कीम नहीं हो रहा है भाई, किसी के साथ स्कीम नहीं हो रहा है। मेरा चैनल पड़ा है आपके पास, मेरा चैनल आपके सामने प्रूव हुए स्कीम हो रहा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये चैनल आपके सामने प्रूव हुए, यूँ समझिए कि ये चैनल आपका ही है, ठीक है ना। इस पर नोटिफिकेशन ऑन रखिए, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है ना। इस पर नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन कोई आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा भाई। नहीं होता है भरोसा, बट थोड़ा यार, थोड़ा तो विश्वास रखो ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यार इतना पैसा गया, टीचर ही नहीं उनके पास। क्या बोल रहे हो यार, ऐसा टीचर ही नहीं उनके पास पैसा गया है। यस, ये बात हुई ना, देर ही सही बट एंट्री सबसे बेस्ट होगी, ठीक है ना। यही बात रखिए, ये जो कुछ एक लोग हैं ना बीच में गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, तो भाई थोड़ा समझ जाओ, ठीक है ना। इस तरह आप यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसी शब्दों से आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। जब आप टीचर का ही सम्मान नहीं कर सकते तो ठीक है ना भाई। यार जब आपके दिल में टीचर के लिए ही सम्मान नहीं है, टीचर पर ही विश्वास नहीं है, और आप सोच रहे हो ऐसा। हाँ तो नोटिफिकेशन आपको अभी वेट तो कीजिए, वही तो बताने के लिए हम आए हैं। यस भाई, सब्र रखो, कुछ क्षणों में ना सहराब आने ही वाला है अब, बट थोड़ा तो सब्र रखो यार। जब आपको टीचर पर ही बिलीव नहीं था तो आपने बेच ही क्यों बाय किया है यार। मैंने भी तो बेच लिया है ना, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ यार मेरे पैसे डूब गए, बल्कि मैं तो आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ कि यार भाई थोड़ा सब्र रखिए, हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने भी तो बेच लिया ना, आपको प्रूफ भी तो दिखाया था ना बेच लेने के लिए। सक्सेना जी, तो फिर आपने बेच का किस अकॉर्डिंग लिया था बेच, ठीक है ना। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भाई, अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में शिफ्ट होना है ना, तो आपको 21 दिसंबर को ना हो जाएगा। मैंने वीडियो डाला था बट ना गलती से मैंने 21 सितंबर बोल दिया था, बट मैंने कमेंट में वापस उसे ठीक कर दिया, उसका सॉल्यूशन दे दिया था। फर्स्ट थिंक आईएस, ओ भाई वाह, क्या थिंक है आपकी। फर्स्ट थिंक आईएस, क्या थिंक है आपकी, मैं तो दीवाना हो गया आपकी थिंक का। अगर खान सर भी देखेंगे ना तो वो भी दीवाने हो जाएंगे इसका, ठीक है ना। वाकई भाई, फर्स्ट थिंक आईएस, क्या थिंक है आपकी। फिर भी कमेंट आ ही रहे हैं फर्स्ट थिंक आईएस।
भाई किसी का पैसा नहीं गया यार, बट थोड़ा वेट कीजिए ठीक है ना। अगर वेट सब्र ही नहीं है तो फिर यार कैसे होगा। यूपीएससी सब्र मांगता है, बस यही है यूपीएससी। बस भाई मानते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम सबसे बड़ा धन है, लेकिन थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना यार उस धन को पाने के लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा तो सब्र रखना ही पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल भाई, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, बिल्कुल सही है। तो भाई मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ? नहीं, मैं ज्ञान कहाँ दे रहा हूँ भाई, अगर तुम्हें ज्ञान लेना ही नहीं है तो क्यों रुके हुए यार। बिल्कुल भाई, जो व्यक्ति धैर्य में महानता हासिल कर लेगा ना, वो किसी भी चीज में महानता हासिल कर लेगा फिर। ठीक है ना, फर्स्ट थिंक आईएस। यार बता दिया ना एक बार कि आपकी थिंक बहुत ही बढ़िया है, अब बार बार आपकी थिंक मत बताइए ठीक है ना। हमें पता चल गया है कि आपकी फर्स्ट थिंक आईएस ही है, सेकेंड थिंक जो भी है रखी अपने पास। बिल्कुल भाई, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। हाँ नहीं, थोड़ा वेट करिए। अरे भाई विश्वास रखिए, सब हो जाएगा ठीक है ना। भाई धैर्य बनाकर रखो, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई देखो, अगर कोई क्वेरी होगी ना तो मैं बता दूंगा, आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। भाई किसी को थप्पड़ नहीं पड़ेगा यार, थोड़ा वेट कीजिए ना आप ना। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है ना, उससे क्या होगा, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो आपके साथ मिल जाएगी ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 11:22 हो गया, तो अभी चेक करते हैं। भाई नहीं रुक पा रहे हैं भाई, देखिए मैंने भी बेच लिया यार, मेरे भी तो मेरे मेरे बारे में भी तो सोचो यार। आप सब अपना ही अपना गाए जा रहे हो, कुछ सर के बारे में भी सोचो, कुछ अदर ने भी बेच लिया ना यार। मैंने खुद बेच लिया था, आपको लाइव में दिखाया था बेच कैसे लिया है ठीक है ना। अरे भाई पैसा नहीं गया यार, कुछ भाई कह रहे हैं क्लास स्टार्ट भी होगी। हाँ
फर्स्ट थिंक आई एस, यार बोला ना आपकी थिंक बहुत ही बढ़िया है, आपके जैसा कोई थिंकर नहीं है यार। ये सोच लो यहाँ पर इतने बैठे हैं 1400-1500 लोग, आपके जैसी थिंक किसी की नहीं है, ठीक है ना। इतनी बढ़िया थिंक आप लाते कहाँ से यार। भाई यार कुछ एक लोग हैं थिंकिंग बहुत ही बढ़िया है उनकी, यार मैं दीवाना हूँ, सल्यूट करता हूँ उन्हें। कुछ एक लोग हैं ऐसे जिनके टीचर के बारे में इतने प्यारे ख्याल हैं कि मैं बता नहीं सकता। बोल रहे हैं कि 11:30 तक थोड़ा सा सब्र रखिए, देखते हैं अभी। बट आपका ना नहीं, सब्र का तो होना ही नहीं है। देखिए नहीं होगा तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, बट थोड़ा वेट करना होगा उसके लिए। भाई बिल्कुल दे दूंगा यूट्यूब पर यार नोटिफिकेशन, आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन देता हूँ ना। तो आज भी बताया था कि क्लास इज नॉट कॉन्फिगर, बता रहा है अभी क्यों बता रहा है, तो यार बता रहा हूँ। बट ना कुछ एक ही ठीक है ना, बट ना आपके कमेंट देखकर मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हो तो मैं क्या बोलूँ। कोई बोल रहा है पैसा डूब गया, कोई बोल रहा है यार घर वाले मारेंगे, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है ना, पैसा गया पैसा गया। भाई यार मेरा चैनल रहा आपके सामने यार, हर एक छोटी से छोटी नोटिफिकेशन दी है आज तक की आपको, और आप बोल रहे हो पैसा डूब गया। अगर ऐसा होता तो मैं नोटिफिकेशन देता आपको, वीडियो बनाता कि भाई यार बेच मत लो, बेच नहीं चलेगा, आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा होता तो मैं आपको दिखा देता ना यार यूट्यूब पर, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो यार कैसे दिखाऊं। बिल्कुल भाई यार, सर भी तो परेशान होंगे ना कि यार इतने सारे बच्चे विश्वास कर रहे हैं बट कुछ दिक्कत आ रही है तो नहीं हो पा रही है। आप सर के बारे में तो सोच नहीं रहे हो बट अपने बारे में सोच रहे हो, यार पैसा डूब गया, पैसा पैसा पैसा, पैसे पैसे लगा रखे आपने सबने। भाई देखो यार, अगर ऐसा रहना तो मैं कमेंट को ऑफ कर दूंगा, फिर जब क्लासेस चलेंगी तभी कमेंट ऑन करूंगा, अगर ऐसा रहा तो आप सबका। हाँ भाई यार यही तो, सब्र रखे ना। अगर क्लास नहीं होता ना तो नोटिफिकेशन आ जाती आपके पास में, आपके पास में आज तक नोटिफिकेशन आई है यदि क्लास नहीं चली है तो, बट आप वेट ही नहीं करे हो, सब्र ही नहीं करे हो। ये तो समझ लो कुछ टेक्निकल एरर हो गया होगा तो 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है। बट आपको सब्र नहीं करना है तो अब उसका तो कुछ जो है नहीं हमारे पास भी। तो भाई यार अदर्स क्लासेस में यूपीएससी जितना एडमिशन है क्या, ये ज्ञान व्यान की बातें रहने दो ठीक है ना। नीरज कुमार नाम लेकर बोल रहा हूँ आपको,
ठीक है ना, अदर्स क्लासेस चल रही है, मैं खुद क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना। टाइमिंग बताऊँ क्या अदर क्लासेस की? इतना रहने दो भाई। तो भाई यार अभी तक मैंने इस वीडियो में कभी भी नहीं बोला लाइक करो, ठीक है ना, ये डिसलाइक डिसलाइक लिखने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना। अगर इंतजार नहीं होता तो बेच क्यों लिया था यार यूपीएससी, ठीक है ना। अगर ऐसा रहा ना तो देखिए मैं कमेंट को ऑफ कर दूंगा, फिर जब क्लासेस चलेंगी तो ही मैं कमेंट दिखाऊंगा। पूजा शर्मा तो बनाओ ना यार, हमने कब रोक रखा है। पूजा शर्मा जी बनाइए, तो अभी बनाइए ना चैनल आप अपना। भाई यार थोड़ा सब्र रखो, अगर ऐसे गलत कमेंट करोगे ना तो मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा, फिर जब क्लासेस चलेंगी तब ही कमेंट चालू करूंगा। बट बोल रहा हूँ यार थोड़ा सा सब्र करो, अगर क्लासेस नहीं चलती तो आपके पास नोटिफिकेशन आता ना, क्या आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है? नहीं आया ना कि आज क्लासेस नहीं चलेंगी, जब सर ने बोला था कि क्लासेस 19 से चलेंगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है ना, इसमें 19 बता रहा है अभी भी, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यही भाई, पेशेंस तो रखिए यार थोड़ा सा। भाई देखो क्लासेस होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं होती तो नोटिफिकेशन आ जाता। अब ऐसे यहाँ पर फालतू में कमेंट करने से तो कुछ होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर गलत कमेंट करने से क्लास चल जाएगी। बिल्कुल भाई, जो कह रहे हैं ना पैसा डूब गए, उन्हें ऐसे पैसे डुबाने में बहुत मजा आता है जैसे गुटखा खैनी खाने में, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो बोलते हैं पैसा डूब गया। तो आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं था ना, नोटिफिकेशन आया था मैंने डाला था। पेरेंट्स को कैसे समझाएं भाई, द फ्यूचर आई है, सोच बदल ली क्या? पेरेंट्स को कैसे समझाएं भाई यार, जब आपके माता पिता को आपके विश्वास होगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। उनके सामने एप्लीकेशन ले जाइए और सुबह की एक लाइव क्लास उन्हें दिखाइए, ठीक है ना यार। गजब बात है यार कि पेरेंट्स को कैसे समझाएं। ठीक है तो देखिए जैसे क्लास चलती है मैं वापस आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही क्लासेस चलेंगी मैं आपको वापस नोटिफिकेशन दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्लास चलते ही मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपके पास, ठीक है।
भाई देखो, जैसे क्लास ओपन होगी तो मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको, ठीक है ना? देखो भाई, सब नोटिफिकेशन ऑन कर लो अभी चैनल पर। जैसे क्लास शुरू होगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा अभी, देखो। भाई देखो, जैसे आप ना नोटिफिकेशन ऑन कर लो, चैनल पर नोटिफिकेशन होता है उसे ऑन कर लो, जैसे क्लासेस शुरू होगी मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, क्लासेस शुरू हो गई है, जल्दी आ जाओ, ठीक है ना? देखो, हर बार नोटिफिकेशन आता है आपके पास जब क्लासेस, देखो जब क्लासेस नहीं चली थी ना तो मेरे पास 11 बजते ही नोटिफिकेशन आ गया था कि भाई क्लासेस नहीं चलने वाली है आज, 19 से चलेंगी। इस प्रकार यदि आज ऐसा होता तो नोटिफिकेशन आ जाता ना आपके पास, बट नहीं है आज ऐसा कोई नोटिफिकेशन, ठीक है ना? तो थोड़ा सा सब्र रखिए। बिल्कुल भाई, यार पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बोल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। भाई यार थोड़ा पेशेंस। भाई उनके बारे में सोचो जो बहुत गरीब है, तो भाई उन्हीं के बारे में सोचकर तो सर भी यूपीएससी बेच लाए हैं यार। कैसी बात कर रहे हो आप भी, आपको कहने में थोड़ा भी अजीब नहीं लगा कि भाई उनके बारे में तो बहुत गरीब है? उन्हीं गरीबों के लिए तो सर 7 साढ़े 7 में बेच लेकर आए हैं। क्या वो गरीब 1.5-2 लाख फीस दे पाते? यार थोड़ा कह क्या रहे हो, आईएएस की कर रहे हो, आपकी बात में थोड़ा ना होना चाहिए कुछ, बात की कुछ अहमियत। अबे तो फर्स्ट थिंग आईएएस को कौन बोला यार, यहाँ पर रुको, मैंने पकड़ के थोड़ी रखा है आपको। फर्स्ट थिंक आईएएस नाम जो भी हो आपका, बट आपको मैंने पकड़ रखा है क्या यहाँ पर? भाई बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, बट ना ना करना है सब्र। बट ना सब्र करना ही नहीं है ना आपको, तो थोड़ा सब्र कीजिए यार, हम भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ भाई हो गया है, बट थोड़ा वेट कीजिए। देखिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया यार। क्रेकर भाई कब का गए रहे हो, पुलिस के पास जा रहे हो आप? भाई अभी ये कुछ लोग कह रहे हैं ना पैसा डूबा है, तो पैसा डूबा रहता ना तो अभी तक तो आपके एप्लीकेशन से खान सर का एप्लीकेशन ही उड़ जाता, कोई प्रूव नहीं देता। मई बेचेज में आपका यूपीसी बेच क्यों दिखा रहा है तो फिर, अगर आपका पैसा डूब गया है तो? बिल्कुल, ये कुछ है कि भाई हैं जो कह रहे हैं सही बातें, और बाकी के तो ना एक एक क्रेकर कब का बोल रहा हूँ यार, कॉल करना है तो जाकर करो ना, ऐसे थोड़ी कुछ है। भाई यार खान सर के बारे में तो क्या उन्हें नहीं पता है कि यार बच्चों के क्लासेस शुरू नहीं होगी, तो उनके बारे में भी तो सोच रहे होंगे ना कि यार बच्चों का विश्वास टूट जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। बट ना आपको तो अपनी पड़ी है, मेरा पैसा डूब गया, खान सर ने पैसा लूट लिया, ये कर लिया वो कर लिया, यार क्या है?
देख लो अभी भी क्लासेस में 19 दिसंबर का ही दिखा रहा है, मतलब कि आज क्लासेस, ठीक है उस दिन 19 को नहीं, 13 को नहीं, 14 को नहीं हुआ था तो मंडे दिखा, 19 दिसंबर मंडे बता दिया था, लेकिन अभी होगा आज, इसी कारण से तो यही दिखा रहा है ना। बिल्कुल भाई यार, ट्रस्ट रखो, खान सर का क्लासेस जरूर होगा। बिल्कुल यार, यही तो, आप तब तक पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं आ एप्लीकेशन में बेस क्लासेस ऑन नहीं हुई है तब तक कुछ पढ़िए, मैप की क्लासेस करिए, कुछ तो करिए। भाई ऐप कब का अपडेट हो चुका था भाई, सर ने कब का इन्फॉर्मेशन दे दिया था ना कि सब रखिए, बेच जरूर चालू होगा, ठीक है ना। ठीक है तो भाई मैं लाइव को एंड कर देता हूँ, कुछ ये कह रहे हैं भाई स्ट्रीम को एंड कर दो, ठीक है भाई, तो एंड कर रहा हूँ स्ट्रीम को, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ही कहूँगा कि नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी तो ज़रूर दिखा दूंगा। जो कह रहे हैं ना कि भाई आप एंड कर दो स्ट्रीम को, तो ठीक है मैं एंड कर रहा हूँ स्ट्रीम को, ठीक है, बट याद रखिएगा क्लासेज आज चलेंगी और फिर आप मेरे चैनल पर आओगे, और भाई नहीं, आप नहीं रुकना है, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद, अब ना आपको कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है ना, तो सी यू। अच्छा तो सर मज़े ले रहे हैं, अंकुर सिंह, अच्छा सर मज़े ले रहे हैं, तो वाह यार, अब ना आपके लिए कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, ये सी हो गए जैसे आप लोग, अब देखता हूँ कौन किसके मजे ले रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, हाँ भाई यार वेट करो, वेट से ही होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं, बट ना वेट करना नहीं है, नहीं भाई इसीलिए तो अब, भाई अभी कुछ नोटिफिकेशन, यही तो कह रहा हूँ यार भाई, थोड़ा ट्रस्ट करो, अभी नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो आप ऐसे ही कैसे जज कर सकते हो यार सर को, बट ना करना है आपको तो, ठीक है ना, तो जैसे क्लासेस शुरू होगी अब तभी हम बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल यार सबको अपने आप पता चल जाएगा, बट ना वेट किसी को नहीं करना है, ठीक है ना।
भाई देखो अभी वेट करते हैं, ठीक है। राहुल यादव ऑफिशियल? तो भाई यार बन क्यों रहे हो आप, भाई बन क्यों रहे हो? वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं बट फिर भी बन क्यों रहे हो यार आप, ठीक है ना? ये लाइव स्ट्रीम में एंड कर रहा हूं, ठीक है ना? बस बहुत हुआ, क्लासेस चलेंगी आज ये कंफर्म बता रहा हूं, बट ना ठीक है ना, क्लासेस जरूर चलेंगी ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लासेस जरूर चलेंगी आज ये बात याद रखेगा। भाई वो तो देख लेना जब चलेगी, ठीक है ना?